आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है पैच्यूटरी ग्लैंड। इसमें हम पैच्यूटरी ग्लैंड की एनेटमी और एम्ब्रियोलॉजी दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। एनेटमी को ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन से लेकर क्लिनिकल रेलेवेंस तक। अब जो क्लिनिकल रेलेवेंस है वो बेहतर आप तब पढ़ सकते हैं जब आप फिजियोलॉजी पढ़ें, ठीक है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट्स मोर ऑफ फिजियोलॉजी देन ऑफ एनेटमी, ठीक है। एनेटमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फिजियोलॉजी क्योंकि फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के अलावा। लेकिन तो आज क्लिनिकल रेलेवेंस में हम सिर्फ क्लिनिकल पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लिनिकली पूछा जा सकता है, आगे आपको आई पढ़ते हुए भी काम आएगा, ठीक है। जनरल डिस्कशन हम करेंगे इनके हार्मोन्स के नाम से लेकर, लेकिन डिटेल डिस्कशन तब पॉसिबल है जब आप फिजियोलॉजी में डिटेल से इस सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड वी विल हैव अ डिस्कशन सेशन ऑन इट, ठीक है। इंशाल्लाह अरेंज कर लेंगे तो फिर हम इसको दफा डिटेल से देखेंगे। तो बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये मेजर ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम का और इवन इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये बाकी सारे ग्लैंड को भी बॉडी में कंट्रोल करता है, जैसे गोनेड्स, जैसे थायराइड ग्लैंड, जैसे सुप्रा रीनल ग्लैंड, जैसे पैंक्रियास। और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए क्योंकि अब आप एनेटमी पढ़ रहे हैं तो पैच्यूटरी ग्लैंड की भी एंटीरियर लोब है जो कि मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, पोस्टीरियर नहीं, ठीक। तो अब आप स्पेसिफिक हो जाए क्योंकि आप बायो नहीं है, आप एनेटमी के स्टूडेंट हैं, के एंटीरियर पैच्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्लैंड है ये ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जो बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, टिश्यूज को कंट्रोल करता है बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू या हार्मोन्स के थ्रू। इस पिक्चर में देखिए बच्चों, जो ग्रीन से हाईलाइटेड है ये स्ट्रक्चर पैच्यूटरी ग्लैंड, देखिए साइज में कितना छोटा है, और अगर फुल ब्रेन में इसकी लोकेशन देखें तो जस्ट एक छोटा सा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है और क्रैनियल बोन के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ है इसकी लोकेशन में देखते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बिल्कुल एक पी साइज यानी एक मटर के जितना ओवल ग्लैंड है, ठीक है, जो कि ब्रेन की निचली साइड से एक स्टॉक के थ्रू, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, जैसे ग्रेप एक बंच के लटक रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह एक स्टॉक के साथ ये ब्रेन की अंडर साइड से अटैच्ड है या सस्पेंडेड है, जैसे हैंग हुआ होता है, लटक रहा होता है, ठीक है। उस स्टॉक को हम पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं या फिर इनफंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। ये एक स्फेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन के अंदर मौजूद होता है जिसको हम सेला ट्रिशिका कहते हैं। ये टर्किश वर्ड है सैडल के लिए। सैडल आपने देखिए घोड़े के ऊपर जो बैठने की जगह होती है, ठीक है, आपने देखिए ना कैसे होती है सैडल, इस तरह की जगह होती है जैसे आप मतलब सीट होती है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह की बोन में स्पेस होती है जिसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड विराजमान होता है, ठीक है। तो उस जगह को हम सेला ट्रिशिका कहते हैं, ठीक है। अब जो सुपीरियर सर्फेस है ग्लैंड की उसके ऊपर एक ड्यूरा मैटर यानी ब्रेन की आउटर सर्फेस की कवरिंग होती है जिसको डायफ्रेग्मा सेला कहते हैं, ठीक है, डायफ्रेग्मा सेला। इसमें ब्रेन के अंदर एक सेंट्रल ओपनिंग होती है ताकि उसमें से इनफंडिबुलम गुजर सके, यानी कि एक ऐसे बोन की मौजूद है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर यानी क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ब्रेन के नीचे मौजूद है यानी पूरा ब्रेन इसके ऊपर मौजूद है इससे, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि ब्रेन से सस्पेंडेड है तो ब्रेन के बाहर क्या मौजूद, तो मेनिंजेस की लेयर यहाँ से उसके अंदर होल है ताकि उसके अंदर से ये स्टॉक जो है जिसका नाम है इनफंडिबुलम ये गुजर सके। इस पिक्चर में देखिए बच्चों, ये जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड एंड छोटा सा स्ट्रक्चर ये क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इसकी सीटिंग देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट की, ये एक बोन की सैडल जैसी यानी इस तरह की एक कैविटी उसके अंदर मौजूद है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से ब्रेन के साथ अटैच है जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। एनाटॉमिकल रिलेशन की बात करें तो इसके एनाटॉमिकल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसी इसकी लोकेशन है ये बहुत सारी विसिनिटी के क्लिनिकल मतलब कंडीशंस प्रोड्यूस कर सकता है। ये वेसल्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है, ये ब्रेन के दूसरे पोर्शंस को इम्पैक्ट कर सकता है, ये वेसल्स को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे एंटीरियरली इसके आगे स्फीनॉइड साइनस मौजूद है, ठीक है। स्फीनॉइड साइनस हमने पैरानेजल साइनसेस में पढ़ा था, स्फीनॉइड साइनस। अब स्फीनॉइड साइनस की इसके आगे मौजूदगी बहुत क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमने सर्जरी करनी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, क्योंकि ये ब्रेन के कवरिंग से बाहर मौजूद है तो इसको अप्रोच करने के लिए क्रेनियोटमी करने की यानी क्रेनियम को रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, नोज के थ्रू या फिर जस्ट स्फीनॉइड साइनस के थ्रू इसको अप्रोच किया जा सकता है। ऐसी अप्रोच को ट्रांसस्फीनॉइडल अप्रोच कहते हैं। यानी अब इस पिक्चर में देखिए बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एस जिसको लिख रही हूँ ये स्फीनॉइड साइनस है, इसके बिल्कुल पीछे लाइक करे क्या चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ से सर्जिकली इसको अप्रोच किया जा सकता है, इसको ट्रांसस्फीनॉइडल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। पोस्टीरियरली इसके इंटर कैवर्नस साइनस है, ठीक है, यानी जो कैवर्नस साइनसेस हैं ब्रेन की, वास्ट ड्रेनेज है जो वेनस ड्रेनेज, ठीक है, वो मौजूद है। डॉर्सन सेलाई, डॉर्सन सेलाई क्या, ये सेला टर्शिका जो इसकी सिटिंग है
इसकी सीट है उसकी पोस्टीरियर वॉल को कहते हैं, ठीक है, यानी बोनी पार्ट है ये भी, और बेजलर आर्टरी है और ब्रेन का एक पोर्शन है जो कि पॉन्स कहलाता है, ठीक है। इसके सुपीरियर ये भी हमने पढ़ा कि ब्रेन का ड्यूरा है, ठीक है, इसको कहते हैं डायफ्रेग्मा सेला। है क्या ये ड्यूरा मैटर का एक फोल्ड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर ऑप्टिक कियाज़म मौजूद है। ऑप्टिक कियाज़म क्या स्ट्रक्चर है? ऑप्टिक कियाज़म वो स्ट्रक्चर है कि जहाँ दोनों ऑप्टिक नर्व क्रॉस होती हैं, ठीक है, जहाँ पर मतलब उनके फाइबर्स कन्वर्ज करते हैं। ये ऑप्टिक पाथवे जो है, विजुअल पाथवे, उसका एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है। आपने देखा होगा ऑप्टिक पाथवे जो है कि ऑप्टिक नर्व होती हैं, ठीक है, दोनों आईज की ऑप्टिक नर्व है, वहां से ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर ओसी ऑप्टिक कियाज़म के अंदर कन्वर्ज होते हैं, ठीक है, पहले क्रॉस होते हैं, क्योंकि इस तरह आई की विजन है कि एक आई में, यानी कि जैसे आपकी आई है ना, ये आपकी नेजल साइड है या आपकी टेम्पोरल साइड है, तो इसके फाइबर जो है नेजल साइड के नेजल में, टेम्पोरल के टेम्पोरल में जाते हैं, दूसरी साइड से क्रॉस करते हैं, यानी कि अगर एक साइड के फाइबर कन्वर्ज हो जाते हैं, ये कंप्रेस हो जाते हैं ब्रेन में, तो एक आई की नेजल साइड इम्पैक्ट होगी, दूसरी आई की टेम्पोरल साइड इम्पैक्ट होगी, क्योंकि फाइबर्स का क्रॉस ओवर ऐसा है, ठीक है। इसको डिटेल में हम न्यूरो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल वापस से टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पर ऑप्टिक कियाज़म की मौजूदगी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी पिट्यूटरी में ऐसी पैथोलॉजी होती है जिससे पिट्यूटरी का साइज बढ़ जाए, ठीक है, यानी जैसे कि ट्यूमर अगर यहाँ पर हो जाता है, तो वो ऑप्टिक कियाज़म को डिस्टर्ब करेगा, और साइन कैसे मिलेंगे, जैसे विजन के साइंस होते हैं, ठीक है, विजन्स में कोई ना कोई इम्पैक्ट मिलेगा जिससे आपका गैस वहां जाएगा कि पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इंफीरियरली इसके स्फीनॉइड साइनस मौजूद है, ठीक है, क्योंकि जो स्फीनॉइड साइनस है उसका साइज इस तरह है कि वो इंटीरियर भी है और इंफीरियर भी आ रही है उसके, और लेटरल साइड पर इसके केवर्नस साइनस है। केवर्नस साइनस क्या है? ये भी ब्रेन की एक वेनस ड्रेनेज की साइट है, ठीक है। इस पिक्चर में देखिए दो व्यूज आपको दिखाए हुए, पहले इस व्यू पर गौर कीजिए जो लेटरल व्यू हमने पहले डिस्कस किया था, कि इस तरह स्फीनॉइड बोन के अंदर एक सिटिंग है, ठीक है, सेला टर्शिका, जिसके अंदर ये मौजूद है। अब देखिए कि इसके इंफीरियरली भी है और एंटीरियरली भी स्फीनॉइड साइनस मौजूद है, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखिए बच्चों, ये आपको एक कट सेक्शन दिखाया होगा, कॉरोनल सेक्शन है, इसमें देखिए कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इसके सुपीरियरली क्या मौजूद है? ऑप्टिक कियाज़मा भी है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज भी मौजूद है। इसके इंफीरियरली फोरमेन लेस्ट्रम मौजूद है, ठीक है, इसके अलावा साइनसिस भी आ जाएंगी, स्फीनॉइडल एयर साइनसिस के इंफीरियर रिलेशन में भी आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसके साइड पर क्या मौजूद है? ये कैवर्नस साइनस है, ठीक है, और उसके बाहर टेम्पोरल लोब है सेरिब्रम की। यानी ये सब जो चीजें आप यहाँ पढ़ेंगे, इसको इस पिक्चर पर डिस्कस करेंगे कि पिट्यूटरी से एंटीरियरली क्या आना चाहिए? स्फीनॉइड साइनस, इंफीरियरली भी साइनस होनी चाहिए, लेटरल साइड पर कैवर्नस साइनस होनी चाहिए, पोस्टीरियर साइड पर बोनी पार्ट जो है नजर नहीं आ रहा, और स्पीयरली ऑप्टिक कियाज़मा होना चाहिए और डायफ्रेग्मा सेला होना चाहिए। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो पिट्यूटरी जो है वो टू इन वन स्ट्रक्चर है, यानी कि एक स्ट्रक्चर है जो कि इसके दो फंक्शंस हैं, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एनाटॉमिकली भी डिवाइडेड है और फंक्शनली भी। अब इन पार्ट्स के एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी डिफरेंट है, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन तो डिफरेंट है ही, और उसकी वजह ये है कि इनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन डिफरेंट है, इसलिए ये एक जगह पर होते हुए भी दो सेपरेट एंटिटीज की तरह काम करते हैं। अब आपके सामने जो पिक्चर मौजूद है बच्चों, उस पर देखेंगे कि जिस स्ट्रक्चर को एडिनो हाइपोफाइसिस लिखा है ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, और जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस मेंशन किया है ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये देखिए पिक्चर में कलर का भी डिफरेंस बताया गया, क्योंकि ये दो डिफरेंट सोर्सेस से आएंगे, तो ये मैं आपको फिर बताऊंगी। ये देखिए कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसको ब्रेन के साथ कनेक्ट किया गया, ठीक है, जबकि जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसका एक प्रोसेस जो है ये इस स्टॉक यानी कि पिट्यूटरी स्टॉक के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। अब ये क्यों है ये आगे हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे। इंटीरियर लोब की बात करें तो इंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और ये फेरिंग्स की रूफ की एक आउट पाउचिंग से बनता है, जिसको रात के पाउच कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ग्लैंडुलर एपिथीलियम है, और ये बहुत सारे हार्मोन्स क्रिएट करता है। इस लोब को हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको पार्स इंटीरियर, इंटरमीडिया और ट्यूबरेलस कहते हैं। अब इसमें जो पार्स इंटीरियर है वो सबसे बड़ा पार्ट है, और वही हार्मोन सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो पार्स इंटरमीडिया है वो एक, मैंने इंटरमीडिएट से याद रखेंगे कि वो एक थिन एपिथीलियल लेयर है जो पार्स एंटीरियर को पोस्टीरियर लोब से सेपरेट करती है, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया पार्ट है एंटीरियर लोब का, फंक्शन ये है कि एंटीरियर लोब के जो मेजर पोर्शन है पार्स एंटीरियर, उसको पोस्टीरियर लोब से सेपरेट करना, ठीक है। फिर एक चीज है जिसको कहते हैं पार्स ट्यूबरेलिस, ये क्या है? ये पार्स एंटीरियर की ही एक एक्सटेंशन है ऊपर की तरफ, जो कि इन्फंडिबुलम या पिट्यूटरी स्टॉक के एंटीरियर
वो लिटरल एस्पेक्ट को कवर कर रही थी, सराउंड कर रही थी। जैसे इस पिक्चर में देखिए, जो स्टॉक मैंने बताया कि ये वाला स्टॉक जो है ये ओवरलैप कर कर इन्फिनिटी पुलम के ऊपर जा रहा है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये पार्स ट्यूबरालिस है, ठीक है। अब हार्मोन का जो रिलीज है ना, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल से होता है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होता है इस ग्लैंड के साथ थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। यानी कि एक कनेक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसके थ्रू सारा कंट्रोल जो है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी का भी मास्टर एक मौजूद है जो कि हाइपोथैलेमस है, ठीक। इवन जो हार्मोन्स हैं वो भी उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल है कि ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, उसका स्टिमुलस हाइपोथैलेमस से आता है, जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटरी हार्मोन, ठीक है। यानी कि सपोज, यानी कि GH यानी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हुआ था एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, इसके लिए सिग्नल आया था हाइपोथैलेमस का, वो था ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटरी हार्मोन, ठीक है, रिलेटेड हार्मोन भी लिखा होता है, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ भी ये भी जो फंक्शन करेगा अपने मास्टर के कहने पे करेगा जो कि हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इस पिक्चर में देख सकते हैं डिवीजन सारी, ये पार्स एंटीरियर है यानी कि एंटीरियर लोब का मेजर पोर्शन जिसने हार्मोन्स बनाने, पार्स इंटरमीडिएट जो कि सेपरेशन है बिटवीन द एंटीरियर लोब एंड द पोस्टीरियर लोब, और फिर पार्स ट्यूबरेलिस है, ये क्या, ये प्रोजेक्शन है जो कि एंटीरियर भी और लेटरल भी जाकर इस स्टॉक को, पिट्यूटरी स्टॉक को या इन्फेंडिबुलम को ओवरलैप कर रही है। अब एंटीरियर लोब कौन से हार्मोन क्रिएट करता है, क्योंकि फिजियोलॉजी की किताब उसके हमें के नाम के साथ सिर्फ इनका ब्रीफ सा फंक्शन जुबानी ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पहला जो हार्मोन, अच्छा यहाँ पर 6 हार्मोन लिखे हैं बच्चों, कुछ बुक में 5 लिखा होगा, वहां ये करते हैं कि ये जो यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, इनको इकट्ठे गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन कह सकते हैं, कि ये गोनेड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन है, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी 6 मेजर हार्मोन बनाता है, जैसे पहला हार्मोन है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का काम जो है ना ये फीमेल में, ठीक है, लैक्टेशन से रिलेटेड है, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, ठीक है, वहां पर स्टिमुलेशन का, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये। फिर ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जो है ये ह्यूमन की ग्रोथ से रिलेटेड है। अब ग्रोथ जो है उसमें हाइट का बढ़ना भी आ जाता है और बाकी इंटरनल ऑर्गन की ग्रोथ भी शामिल है, और उसके अलावा बॉडी मास का बढ़ना, बोन मास का बढ़ना, ठीक है। फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है जिसको ACTH कहते हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब हम एड्रीनल ग्लैंड को डिटेल से पढ़ेंगे, सुप्रा एड्रीनल ग्लैंड को, तो देखेंगे कि उसके अंदर भी दो पोर्शंस हैं, एक उसमें कॉर्टेक्स है, एक उसमें मेडला है। जो मेडला है वो नर्वस कंट्रोल के अंदर है, लेकिन जो कॉर्टेक्स है वो इस ग्लैंड के अंदर, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको क्लियर करूंगी जब गोनेडोट्रॉपिन बताऊंगी, ठीक है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, ल्यूटिनाइजेशन यानी कि येलोश फ्लूड डिस्चार्ज कराता है ओवा में से, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी रेगुलेशन में ये शामिल है। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे होता है बच्चों के, फॉलिकल बनता है, ठीक है, जब अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो प्रेगनेंसी हो जाती है, नहीं फर्टिलाइज होता तो वो इन्वोल्यूट होकर मेंस्ट्रुएट हो जाता है सारा, ठीक है। तो वो फॉलिकल स्टिमुलेशन जो है ये भी पिट्यूटरी से कंट्रोल, इवन जब प्यूबर्टी आती है तो भी पहला सिग्नल जो है वो पिट्यूटरी से रिलीज होता है, कि प्यूबर्टी और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल को होता है, जिसको मेनार्की कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड मैं आपको लिखकर बताती हूँ स्पेलिंग, ठीक है, क्योंकि इस मॉड्यूल में एंडोक्राइन मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन शामिल है, तो वो चीजें भी हम साथ डिस्कस करेंगे जहां जिक्र आएगी, ठीक है। ये फीमेल का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको मेनार्की कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होता है। अच्छा अब अगला सवाल ये माइंड में आता है कि ये गोनेडोट्रॉपिन है, अब क्योंकि पिट्यूटरी प्रोड्यूस कर रहा है गोनेड्स नहीं सिर्फ, तो क्या ये मेल्स में भी होते हैं? जी हाँ बच्चों, ये मेल्स में भी होते हैं, इसी तरह फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन एक क्वांटिटी में, कंट्रोल्ड क्वांटिटी में, ठीक है। तो यही अगर क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाए, तो फिर आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स की आवाज आदमियों जैसी होती है, उनके फेस पे फिर बिल्कुल बियर्ड जैसे हेयर होते हैं, वो फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं जो उनको मेल लाइक, इसी तरह कुछ मेल में गायनेकोमेस्टिया देखेंगे, यानी कि जैसे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट लाइक फीमेल, ठीक है, वो क्यों होगा, वो उनमें हार्मोन ऐसे होंगे जो उनको फीमेल लाइक, ठीक है। तो वो सारी डिस्टर्बेंसेस हैं, पैथोलॉजीज होती हैं, ठीक है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कराता है, थायराइड ग्लैंड खुद बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर बहुत वास्ट इफेक्ट्स रखता है, ठीक, उसको भी पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब कंट्रोल करती है और इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है, जब आप न्यूरो पढ़ेंगे देखेंगे कि तकरीबन बॉडी में जो चीज आप डिस्कस करेंगे, आपके मूड, आपकी भूख, आपका सोना, जागना, वो सब हाइपोथैलेमस से किसी ना किसी तरह लिंक कर रहा होगा, ठीक है। पोस्टीरियर लोब की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर लोब जो है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस कहलाता है, क्या नाम से इसका, एडिनो ग्लैंड से है,
ठीक है, और न्यूरो ब्रेन से है, ठीक है, इसके अंदर सारा नर्वस टिश्यू है और ये एम्ब्रियोनिक फोर ब्रेन से आता है, ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस की ही एक एक्सटेंशन है। अब डिफरेंस यहाँ पर ये है कि न्यूरो हाइपोफिसिस जो है ये डायरेक्टली हाइपोथैलेमस की एक एक्सटेंशन है, हार्मोन्स बनेंगे हाइपोथैलेमस के अंदर, फिर नर्व के थ्रू ट्रिकल डाउन करके आकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाएंगे, जबकि जो इंटीरियर लोब थी उसमें भी उसमें सिग्नल जो है वो ब्लड वेसल के थ्रू ट्रेवल करता हुआ इंटीरियर लोब में आएगा और वहां पर अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। इंटीरियर में हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे ब्लड वेसल के थ्रू हाइपोथैलेमस से सिग्नल आने पर, जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां पर बने हुए रेडीमेड हार्मोन्स नर्व्स के थ्रू कनेक्शंस के थ्रू हाइपोथैलेमस से ट्रिकल डाउन कर आएंगे और पोस्टीरियर लोब में सेव हो जाएंगे, ठीक है, और स्टिमुलस पर रिलीज किए जाएंगे। अब ये जो पोस्टीरियर लोब है बच्चों, इसकी तीन डिवीजंस हैं, पार्स नर्वोसा है, मीडियन एमिनेंस है और इनफंडिबुलर स्टॉक है। अब जो पार्स नर्वोसा है, ठीक है, ये बल्क है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, जैसे पार्स इंटीरियर था इंटीरियर का, इसी तरह पोस्टीरियर का जो बल्क है वो पार्स नर्वोसा है, ठीक है। मीडियन एमिनेंस क्या है, ये न्यूरो हाइपोफिसिस का वो सेक्शन है जो पार्स ट्यूब्रेलिस है, जहां तक इंटीरियर की ब्रांचेस समझे ओवरलैप कर रही है ना, उससे ऊपर का भी जो एरिया है वो मीडियन एमिनेंस कहलाता है, ठीक है। फिर इनफंडिबुलर स्टॉक है, इनफंडिबुलर स्टॉक क्या चीज है, ये वो स्टेम है या कनेक्शन है जो पार्स नर्वोसा को बेस ऑफ ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, यानी जो इनफंडिबुलम जिसके थ्रू पिट्यूटरी हैंग हो रहा है, ठीक है, बेस ऑफ ब्रेन से, वो बेसिकली पोस्टीरियर लोब का पोर्शन है, इंटीरियर से अटैच्ड है और इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, जैसे इसके साथ हैंग कर रहा है, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखिए बच्चों, ये पार्स नर्वोसा है, ठीक है, इंटरमीडिया को तो पता है दोनों में सेपरेशन, फिर पार्स ट्यूबरेलिस है, इससे ऊपर का पोर्शन इज मीडियन एमिनेंस, ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है जो हाइपोथैलेमस के ज्यादा करीब सिचुएटेड है। उसके बाद इनफंडिबुलर स्टॉक है, ठीक है, फिर एक पोर्शन है पास डिस्टेलिस, पास डिस्टेलिस में भी हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, इसी को पार्स इंटीरियर भी कहते हैं, ठीक है, ये जो पार्स डिस्टेलिस है ना, ये पार्स इंटीरियर का ही दूसरा नाम है, तो भाई कहीं दोनों में से एक भी लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन स्क्रीट होते हैं, पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन स्क्रीट होते हैं बच्चों, एक का नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर इसको देर से समझेंगे तो उसका फंक्शन अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, ADH, एंटी डायूरेटिक, लेकिन डायूरेटिक का मतलब होता है वो चीज जो यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा कराए, एंटी डायूरेटिक ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होने से रोकना, आसान लफ्जों में यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन करवाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फिर इस तरह ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को कंट्रोल करेगा, जाहिर है जब यूरिन पास करते हैं तो साथ में इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, तो ये क्या करता है कि ये फ्लूइड की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके यूरिन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है ये पार्चुरेशन यानी लेबर चाइल्ड बर्थ में और मिल्क सीक्रेशन में इन्वॉल्व है, अगेन मेल्स में भी प्रोड्यूस होता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है। और ये दोनों जो सब्सटेंसेस है ना, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये हाइपोथैलेमस पे दो न्यूक्लियाई हैं जिनका नाम है सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई, उनमें प्रोड्यूस होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रेडी फॉर रिलीज आकर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिक्यूलर ये दोनों ADH भी बनाते हैं, ये दोनों ऑक्सीटोसिन भी बनाते हैं, फर्क ये है कि सुप्रा ऑप्टिक में ADH ज्यादा बनता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन कम बनता है, पैराविट्रिकुलर में ऑक्सीटोसिन ज्यादा ADH कम बनता है, बनाते दोनों दोनों चीजें लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है, एक हार्मोन को ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं एक को कम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इस पिक्चर में समरी है सारे हार्मोन्स की, ठीक है, देखिए इंटीरियर पिट्यूटरी, इससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा जो कि बोन्स मसल्स और ऑर्गन्स पर एक्ट करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा जो कि ब्रेस्ट पर एक्ट करेगा, फिर यूटिलाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो ओवरीज पर एक्ट करेगा, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यानी फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, और अगर मेल्स में टेस्टिस पर एक्ट करेगा तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। FSH को मेल्स में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ICSH, ठीक है, लेकिन FSH वर्ड ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अच्छा, ACTH की बात करें, एड्रेनल कॉर्टेक्स पर कॉर्टिकल हार्मोन बनाएगा, ठीक, TSH थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा, थायराइड हार्मोन बनाएगा, फिर वैसोप्रेसिन ADH को, एंटी डायबिटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है, ये किडनीज पर एक्ट करेगा, फिर ऑक्सीटोसिन है ये ब्रेस्ट और यूट्रस पर एक्ट करेगा, ठीक है,
ब्रेस्ट पर एक्ट करेगा तो मिल्क की इंजेक्शन कराएगा, हनी बेबी जब सक करेगा तो ऑक्सीटोसिन मिल्क डक्ट्स पे एक्ट करके मिल्क की रिलीज करवाता है, और अगर न्यूट्रस पर एक्ट करेगा तो बेबी को बर्थ में ठीक है एक्सपल्शन कराएगा, लेबर को प्रोग्रेस करवाएगा। वास्कुलेचर इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड का क्योंकि उसके थ्रू ही एंटीरियर लोब का कंट्रोल है। अब जो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब है इनका वेनस वेनस तो सेम है ठीक है, जो कि हाइपोफिजियल वेन है, एंटीरियर हाइपोफिजियल वेन पोस्टीरियर हाइपोफिजियल वेन, लेकिन इनकी आर्टेरियल सप्लाई इंडिविजुअल है यूनिक है। एंटीरियर पिट्यूटरी की जो आर्टेरियल सप्लाई है वो सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी से आती है ठीक है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है। ये वेसल जो है कैपिलरी नेटवर्क बनाती है हाइपोथैलेमस की इर्द गिर्द ठीक है, ताकि वहां से सारे हार्मोन्स के जो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर सके एक और कैपिलरी प्लेक्सस पे जो कि एंटीरियर पे चुकी है। तो एक प्लेक्सस यहाँ सारा मौजूद है, एक प्लेक्सस यहाँ सारा मौजूद है, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी, ये हाइपोफिजियल है ये पिट्यूटरी का प्लेक्सस ठीक है, ये आपस में फिर कनेक्टेड है ठीक। अब क्या होगा कि ये जो ब्लड है इस नेटवर्क से ठीक है कैपिलरी नेटवर्क जो हाइपोथैलेमस पे मौजूद है वहां से सेकेंडरी प्लेक्सस को भेजा जाएगा जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी के इर्द गिर्द मौजूद है ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम ठीक है, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं इसको। और इस स्ट्रक्चर के यानी इस ब्लड सप्लाई की वजह से हाइपोथैलेमस जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी से कम्युनिकेट कर सकता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर सकता है ठीक है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसमें इंफंडिबुलम और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसकी ब्लड सप्लाई काफी सारी आर्टरीज है, इसमें सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी है, इनफंडिबुलर आर्टरी है और इंपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी है, इनसे आती है ठीक है। इस पिक्चर में देखिए बच्चों ने दिखाया हुआ है कि हाइपोथैलेमिक नेटवर्क है जो ठीक है एक यहाँ मौजूद है एक एंटीरियर पिट्यूटरी नेटवर्क है, इनके दरमियान का कनेक्शन है सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी से ठीक है, यानी कि ये जो आर्टरी है यही हाइपोथैलेमस का नेटवर्क बनाती है, वहां सप्लाई करती है और पिट्यूटरी को भी ठीक है, तभी आपस में भी कनेक्टेड है सारा ब्लड, तभी हाइपोथैलेमस से सिग्नल पिट्यूटरी में आता है ठीक है। इसकी निस्बत जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसकी इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी है इंडिविजुअल नेटवर्क है, सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हद तक ही मौजूद है, हाइपोथैलेमस से ब्लड के थ्रू लिंक नहीं है, लेकिन देखिए बच्चों न्यूरॉन्स के थ्रू लिंक है कि न्यूरॉन्स देखिए ये ट्रेवल डाउन करके आ रहे हैं, ये फिर यहाँ पर सिग्नल्स और प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स लाएंगे। एक बेटर इलस्ट्रेशन समझने के लिए ये देखिए बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ना ये पिट्यूटरी स्टॉक है या इंफंडिबुलम है, इसके अंदर से ब्लड वेसल्स है ना ट्रिकल डाउन करती है ठीक है, ये कनेक्शन है एंटीरियर लोब के साथ और पोस्टीरियर लोब जो है वो डायरेक्टली खुद ही कनेक्टेड है ठीक है नर्व्स के थ्रू। पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत ईजी इसकी डेवलपमेंट है बच्चों, हमने बात की थी कि दो डिफरेंट लोब दो डिफरेंट ओरिजन, इसमें ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो एक्टोडर्मल ओरिजन है जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो एक्टोडर्मल है, यानी कि एक्टोडर्म इज वो जो बाहर की सर्फेसिस बनाती है बॉडी की ठीक है, और न्यूरो एक्टोडर्म वो है जो ब्रेन को डेवलप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डेवलप करती है। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है बच्चों ये जो फेरिंग्स की एपिथीलियम होती है यानी जहां पर फेरिंग्स डेवलप हो रही होती है उस एपिथीलियम से एक अपवर्ड ग्रोथ होती है जिसको राथ के पाउच कहते हैं उससे बनता है, जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना ये जहां से ब्रेन डेवलप हो रहा होता है ठीक है डाइसेफलॉन ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उससे एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन आती है जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं, इससे फर्दर ग्रोथ होते हैं, यानी कि इस तरह है कि अगर ये ऊपर ब्रेन है ये नीचे यहाँ पर फेरिंग्स डेवलप हो रही है ठीक है, तो फेरिंग्स के नीचे की तरफ आएगी और ये आपस में दोनों ज्वाइन कर कर ठीक है, बाद में फिर ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा जो फेरिंग्स के साथ से, सिर्फ वो कनेक्शन मेंटेन रहेगा जो ब्रेन के साथ का जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं ठीक है। इसकी सारी इलस्ट्रेशन सारी जो समझ है वो पिक्चर से ही है ठीक है, इसको देखकर आप सारी थ्योरी लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों में येलो कलर से जिस चीज को मेंशन किया वो ब्रेन है ठीक है, पर्पल कलर इज ओरल एक्टोडर्म यानी जहाँ पर फेरिंग्स और माउथ ये सब डेवलप हो रहा है ठीक है, स्टोमोडियम क्या है जहाँ पर ये प्रिमिटिव माउथ है, यहाँ पर एडल्ट का माउथ बनना है ओरल कैविटी बननी है ठीक है, इससे देखिए एक छोटा सा पाउच है ऊपर की तरफ ग्रोथ है जिसको क्या कहा है राथकेज पाउच, और ऊपर ब्रेन जो बन रहा है उससे एक प्रोसेस नीचे की तरफ आ रहा है जिसका नाम है इंफंडिबुलर प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि किस तरह राथकेज पाउच ग्रो कर रहा है ठीक है, वहां पर एक मेसोडर्म की लाइनिंग है ठीक, और इंफंडिबुलर प्रोसेस मौजूद है, उसके बाद इस तरह होगा कि इंफंडिबुलर प्रोसेस की ग्रोथ से जो राथकेज पाउच है वो कंप्रेस हो जाएगा और उसका कनेक्शन बाकी की जो सर्फेस एक्टोडर्म है या जो पेरिनजियल एक्टोडर्म है उससे कट ऑफ हो जाएगा ठीक। अब वहां पर क्या होगा कि जो कंप्रेस्ड सेगमेंट है वहां पर फर्दर डेवलपमेंट होगी ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे जो कि राथकेज पाउच वाला पोर्शन था वहां पर पास एंटीरियर इंटरमीडिया ठीक है, पास डिस्टेलिस और इंटीरियर एक ही है, यहाँ डिस्टेलिस लिखा हुआ है वही ठीक है,
पास डिस्टेलिस या इंटीरियर, पास इंटरमीडिया और पास ट्यूबरलिस डेवलप होंगे, साथ साथ देखेंगे स्पिनोइड साइनस भी डेवलप हो रही है, जबकि साथ जो पोस्टीरियर है इसमें पार्स नर्वोसा और रिलेटेड स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। फिर पास ट्यूबरलिस जो है ये इनफंडिबुलर स्टॉक के गेट रैप होगा, जैसे पढ़ा था कि इंटीरियरली भी और लेटरली भी होता है, ठीक है। फिर ये एडल्ट स्ट्रक्चर में आ जाएगा, सारी इसकी टाइप होंगी। फिर एडल्ट में एक चीज होगी बच्चों की, अभी जो ग्रोइंग स्टेज है उसमें पास ट्यूबरलिस फुल इनफंडिबुलर स्टॉक को रैप कर रहा है, एडल्ट में सिर्फ इंटीरियरली लेटरली करते हैं, एक साइड इसकी स्पेयर होती है जो पोस्टीरियर तकरीबन है, ठीक है। अच्छा, अब सारी चीज ये है कि तकरीबन थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि ये जो स्टेमोडियम है इसकी रूट से डायवर्टिकुलम बनना शुरू होता है, ब्रैसिकस पाउच या फिर हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम उसको कहते हैं, ठीक है। बाय फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट या फिर सेकंड मंथ, ठीक है, सेकंड मंथ के या फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट, उसमें ये होता है कि ये आउट पाउचिंग जो है ये इनफंडिबुलम के सामने आ जाए, ठीक है। ग्रोथ शुरू हो जाती है थर्ड वीक से, लेकिन बाय फिफ्थ वीक जाकर इनफंडिबुलम के सामने आती है, यानी जहां इसने इसके साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। अब जब तक ये ग्रोथ ऊपर की तरफ होती जा रही होती है, कनेक्शन जो है इलॉन्गेट होता जा रहा होता है ओरल एपिथेलियम के साथ, यानी कि पहले स्टेप में जस्ट ये था, नेक्स्ट स्टेप में ये, ठीक है, और ये प्रोसेस इलॉन्गेट होने के साथ साथ नैरो भी होता जाता है, ठीक है। तो तभी ये वाला जो कनेक्शन है ये इन्वोल्यूट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इंटीरियर ब्रैसिकस पाउच होती है, ठीक है, इसकी जो इंटीरियर वॉल है ये पार्स इंटीरियर बनाता है पिट्यूटरी का, ठीक है, इसी के अंदर सारे सेल्स डेवलप होते हैं, ठीक, इसी के अंदर से पार्स ट्यूबरलिस डेवलप होती है, यानी कि समझेंगे रैटकेस पाउच बना था ना आपके सामने, ठीक है, रैटकेस पाउच यानी कि इस पिक्चर वाला ये वाला जो पाउच है हम इसमें यहाँ डिस्कस करें, इसकी जो इंटीरियर वॉल है ना बच्चों, इसी के अंदर से पार्स इंटीरियर डिस्टेलस बनेगा जिससे सारे हार्मोन बनाने वाला पोर्शन बनना है, इसी के अंदर से जो है वो पार्स ट्यूबरलिस यानी कि वो ग्रोथ होगी जो जाकर इनफंडिबुलम को सराउंड करेगी, ठीक। जबकि जो पोस्टीरियर वॉल है इसकी वो इतनी एक्सटेंसिव डेवलप नहीं होती, वो जस्ट परसिस्ट करती है एक सेपरेशन के तौर पर बिटवीन द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड बिटवीन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कुछ सेल्स जो है वो बाद में एंटीरियरली माइग्रेट करते हैं पार्स इंटीरियर में, लेकिन यह है कि ज्यादा काम इसका यही है कि ये दो ग्लैंड में, दो लोब्स में सेपरेशन कर रहा होता है, ठीक है। और जो वेजिकल की कैविटी होती है यानी दो के दरमियान छोटी सी स्पेस रह जानी चाहिए, यानी कि इंटीरियर वाले अपना ग्रो कर रहे हैं पोस्टीरियर वाले अपना, तो वो परसिस्ट करती है फिटल लाइफ में, लेकिन एडल्ट में आप इसको नहीं देख सकते, ठीक है। जबकि जो इनफंडिबुलम होता है ना वो स्टॉक बन जाता है, यानी कि जो हैंग करने के लिए, और पार्स नर्वोसा भी वही बनाता है बाद में, ठीक है, क्योंकि पहले सिर्फ इनफंडिबुलम वो था जो ग्रोइंग स्ट्रक्चर था, डेंसेफलॉन की आउटग्रोथ थी, फिर वो एडल्ट का इनफंडिबुलम बनेगा जिसमें से पार्स नर्वोसा पहले ही सेपरेट हो चुका होता है, ठीक है। That's all.